और अभी भैंसों का दूध निकालेंगे। अभी बूरी भैंस का दूध निकाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशान सलीम। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। 2 बजे का टाइम हो गया, अभी भैंसे बांधने का टाइम हो गया है। खुरली पे पहले चारा काट लिया था, ये कुछ बांधती हैं। अभी इसकी बारी है, इसकी साइड जो है इस तरफ है। आ जाएँ भाई, आ जाएँ, चारा मिक्स करेंगे। इस साइड पे नहीं है, ये पंजी है बेस्ट तरीका। तो इसके साथ जो सारी खुरली में इक्वल कर दूंगा सारा बराबर चारा। हाँ जी भाई, क्या हो रहा है? धूप धूप माशाल्लाह आज काफ़ी अच्छी निकली हुई है, काफ़ी दिनों बाद। कल भी अच्छी निकली थी तो आज भी, तो कुछ देर के लिए बैठा था। अभी आज तो मज़े की धूप है भाई साहब। सुबह धूप थी लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा धूप है। बकरे के काम देखें कैसे खुरली पर खड़ा हुआ है। अभी करते हैं जी लेवल चारे को। इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा है तो दूसरी साइड पे कुछ कम है, क्योंकि जब डालते हैं चारा तो एक साइड पे ही फिर डालना होता है। बाद में लेवल करते हैं उस साइड पे, अभी लेकर जाऊंगा कुछ। 2:30 बजे का टाइम हो गया, अभी चले हैं जिला मोड़, क्योंकि टोके तेज़ करवाने वाले हैं। काफ़ी दिनों का आप कह रहे थे कि तेज़ करवाने हैं, फाइनली आज टाइम मिला है भाई। अभी बांध रहे हैं रस्सी के साथ मजबूत करके, क्योंकि लग ना जाए। चलते हैं फिर। टोके दिए थे तेज़ होने के लिए, तो कुछ टाइम फिर अभी दर्जी के पास आ गए हैं, तो आके गपशप लगा लें। अभी सामने ट्रक लोड हो रहा है चाचू लोगों का, कबाड़ का लोहा वगैरह ऊपर रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद, किवें काम कार चल रहा? एक दिन के किन्ने सूट सी लेंगे? एक दो। तो माशाल्लाह कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो मैं कर देगा सारा कर दे। घर में लोशन और तेल ख़त्म हुआ था तो लिया है, तो लीविया का लोशन लिया है, 190 रुपये का मिला है, और साथ में ऑयल लिया है, ये मिला है 145 रुपये का। अभी टोके तो हो गए तेज़, काफ़ी हो गए तेज़, तो अभी दही पल्ले खाएंगे। भाई ने रेडी लगाई हुई है, काफ़ी टेस्टी होते हैं इनके दही पल्ले, साफ़ सुथरा माहौल। इधर बस खड़ी है और स्टूडेंट काफ़ी ऊपर चढ़े हुए हैं छत पे। लें जी 30 रुपये का प्याला है। ये फ्रेंड मिले हैं जी जला मोड़ में घर जाते हुए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हकीम भाई, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? तो खैरियत से आए हैं जला मोड़? भाई जल्ला मोड़ से सीधा लाहौर जा रहा हूँ इसी बाइक पर। हाँ जी अभी जाने लगा हूँ, ये बाइक आप देख ले, मैंने इस बार लाहौर जाना है। तो इंशाल्लाह आपको रात 8 बजे तक करा मैं कॉल करूँगा और लाहौर होगा। काफ़ी सफ़र आपने तो करना है फिर बाइक पे। ये बाइक आप देख लें, अभी पेट्रोल डलवाने लगा हूँ 500 का और जाने लगा। सही, आज एक और क्लास फेलो मिल गया काफ़ी दिनों बाद। हाँ जी मियाँ रांझा साहब, तबीयत से ठीक है? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। रास्ते में कोयले की सफाई हो रही है बिल्कुल क्लियर करके मशीन के साथ। पट्टे वालों को काफ़ी एक ये नुकसान होता है कि जब बारिश आ जाए ईंटें सारी ख़राब हो जाती हैं। अभी इस तरफ कच्ची ईंटें बनाई हुई थी, काफ़ी इनमें से ख़राब हो गई हैं। जा रहा है जी डॉग दूसरा भाई, अभी अंदर लैपटॉप चला रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं? काम लिख लिया स्कूल का? GTA Vice City गेम है भाई, काफ़ी पसंद करते हैं तो भी खेल रहे हैं अंदर जी। मरुंडा ये आप कहाँ से ले आते हैं रोज़ ही? पैकेट लेकर आया था सिटी से, तो अभी वही खाते हैं रोज़। जब कभी दिल करे तो भाई खा लेते हैं मरुंडा, काफ़ी अच्छा होता है मीठा। कोई तो गुड़ वाला होता है लेकिन ये तो है चीनी वाला, चीनी इसमें डाली हुई है काफ़ी ज़्यादा, मैं भी पसंद करता हूँ। तो कल भी पैसे लिया था लेकिन आज फिर से खाएंगे। पहले जब यहाँ पर हमारे गुड़ बनाते थे गन्ने का, तो चीड़ और गुड़ इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती थी, लेकिन अभी बनाना बंद कर दिया है, गुड़ भी नहीं बनाते। आज तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी, फुल इंजॉय किया क्योंकि काफ़ी दिनों बाद धूप मिली थी। अभी सूरज चला गया है उस तरफ मगरिब की तरफ, और अभी रोशनी कुछ कम हो गई है, दीवार पर चढ़ गई धूप। आता भाई अभी धूप के सहारे खड़े हैं उस साइड पे। जो पल्ली है चारा डालने वाली जिसमें चारा डालते हैं, काफ़ी गीली हो गई थी, अभी डाल दी इस तरफ धूप पे। अभी तो खुश्क हो गई लेकिन जैसे ज़्यादा सर्दी हो पानी वगैरह ऊपर पड़ जाता है काफ़ी, इसके
चारा डालते हुए कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। ट्रैक्टर अभी खड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से नहीं लेकर गए ज़मीन में इसको हल चलाने, क्योंकि ज़मीन पहले तैयार कर दी है, सब गंदम की फसल लगा दी है। जैसे गंदम की फसल फिर काटेंगे, अभी तो काफ़ी 4-5 माह बाद फिर कोई नई फसल लगाएंगे, अभी तो नहीं लगा रहे, क्योंकि 4-5 एकड़ ज़मीन है, 4 तो उनमें ही हल चलाना होता है, तो बाकी टाइम ट्रैक्टर होता है फ्री। तो अभी देखते हैं, इसकी बैटरी तो न्यू ही थी, स्टार्ट करके चेक करते हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए, फिर बैटरी ख़राब नहीं होती। ये चेक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो धूल मट्टी पड़ी हुई है ऊपर, सफाई भी करने वाली है, किसी दिन इसकी सर्विस भी करवाऊँगा। बैटरी है ओसाका की, पहले एक्साइड की थी लेकिन ओसाका की बाद में ली थी, काफ़ी अच्छी है ये भी। गन्ने के छिलके भी काफ़ी इकट्ठे हो गए टोकरी में। जब चारा लेकर आते हैं तो रोज़ 1-2 गन्ने जो उनका रस पीना होता है, मैंने भी और भाई जैन ने भी, अभी कुछ कमाद पड़ा हुआ है सुबह के काटने के लिए, और साथ में चारा सुबह और लेकर आएंगे बरसेम का। अभी चाबी लगा दी है और लाइट ऊपर वाली ऑन हो गई बल्ब की, इसका मतलब अभी ऑन हो गया स्विच, अभी करते हैं स्टार्ट, इसको दबाएंगे और फिर स्टार्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गियर नीचे से पहले निकाल लिए हैं, सेंटर में काट लें तो गियर निकल जाते हैं, ये हाई लो वाला है और ये बाकी जो 5 गियर होते हैं, तो अभी सेंटर में न्यूट्रल है, अभी करते हैं स्टार्ट। काफ़ी दिनों बाद कर रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल से हो रहा है, उम्मीद है कि हो जाएगा, काफ़ी टाइम ले रहा है, काफ़ी दिनों बाद ट्रैक्टर जो आज स्टार्ट किया है, तो काफ़ी स्मेल आ रही थी धुएँ की, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, अभी काफ़ी धुआँ अंदर फैल गया हुआ है, क्योंकि स्टार्ट किया है ट्रैक्टर काफ़ी दिनों बाद, इसलिए अभी तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं ट्रैक्टर स्टार्ट हुए को, और अभी करते हैं उसको बंद, क्योंकि इतना ज़्यादा भी स्टार्ट नहीं करना। अभी चलता हूँ अंदर की तरफ, जी बंद हो गया अभी। साका भाई कांच की गोलियां खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अभी 2 गोलियां इनके साथ खेलेंगे। मेरा पहले काफ़ी ज़्यादा निशाना होता था नीचे से इस तरह लगाएं, लेकिन अभी इतना नहीं है क्योंकि अभी कभी खेला नहीं हूँ। हाँ जी भाई, आपका कितना निशाना है? ये कुछ तो है निशाना मेरा भी, क्योंकि खेलता जो रहता हूँ। अभी नीचे रख के चेक करते हैं लगा के। मैं पता कर जी, पहली बार ही नहीं लगा मुझसे। मेरा तो नहीं लगा, इतना करीब से लगाया निशाना फिर भी नहीं लगा। चलो मैं ला कर अभी तो थक से लगा। अभी 4:30 का टाइम हो गया है, जैन और अम्मी जान जो सिटी गए हुए हैं क्योंकि वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए, और अभी भैंसों का दूध निकालेंगे है, और जैन भाई और मैं भैंसों का दूध निकालते हैं, लेकिन जैन भाई तो अभी सिटी गए हुए हैं तो काफ़ी देर से आएंगे वो, तो अभी मैं तो फिर निकालता हूँ भैंसों का दूध, बेचारा तो उन्होंने खा लिया है। 4:30 का टाइम हो गया, अभी मैं बाल्टी जो है ले आया हूँ, अभी निकालेंगे जी भैंस का दूध, आपको दिखाएंगे कि विलेज में कैसे लोग भैंस का दूध निकालते हैं। भैंस बांध ली है और आगे कुछ डाल दिया है जी, वंड चारा डाल के, ऊपर कुछ चोकर और दलिया, भी करता हूँ स्टार्ट। फाइनली दूध तो निकाल लिया है अभी बाल्टी में जी। भाई गन्ना लेकर जा रहे हैं जी, गन्ना वहाँ से ढूंढा है तो मिल ही गया है। तो अच्छा है, अभी बुरी भैंस का दूध निकाल रहा हूँ,
पहले एक फेंस का निकाल लिया है। तो गांव में इस तरह दूध निकालते हैं, यही रह गए, इसका ही निकालना है बस दूध। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। शान सलीम को दीजिएगा जी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इस तरह की विलेज की अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।